वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। 4 फरवरी को बिटकॉइन के प्राइस में 11% का राइज देखने को मिला और बिटकॉइन ने $45,000 के लेवल को टच किया। और जैसे ही इसका प्राइस $46,000 को टच करने वाला था, वहीं से बिटकॉइन ने रिटर्न डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया एंड राइट नाउ इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है $42,000 के अराउंड। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, क्या रीजन है मार्केट में सडन गिरावट के पीछे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी में लास्ट कुछ मंथ से काफी गिरावट देखने को मिली है। थोड़े टाइम पहले रशिया गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का इंडिकेशन दिया था, जिसके कारण मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली। बट 4 फरवरी को बिटकॉइन के प्राइस में 11% का जंप देखने को मिला। इसके पीछे का रीजन भी रशिया ही था, क्योंकि रशिया गवर्नमेंट ने फिर से अनाउंस किया कि अब वो फिर से क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने के लिए रेडी है। बट राइट नाउ फिर से हमें बिटकॉइन के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके पीछे मेनली 2 रीजन है। फर्स्ट है यूएसए इन्फ्लेशन एंड सेकंड है रशिया एंड यूक्रेन के बीच वॉरलाइक सिचुएशन। पहले बात करते हैं फर्स्ट रीजन यूएसए इन्फ्लेशन की। यूएसए ने इन्फ्लेशन को लेकर अनाउंसमेंट किया है, उनका इन्फ्लेशन रेट 7.5 है, जो कि अमेरिका की हिस्ट्री में 40 सालों में पहली बार इतनी हाई इन्फ्लेशन रेट देखने को मिली है। इससे पहले 1980 के टाइम में इतनी हाई इन्फ्लेशन रेट देखने को मिली थी। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में निकल कर आई, फाइनेंशियल मार्केट पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। स्टॉक मार्केट से लेकर क्रिप्टो मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड सेकेंड रीजन है क्रिप्टो मार्केट के गिरने का, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वॉर होने जैसी सिचुएशन। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट को देखें तो रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है और कभी भी अटैक कर सकता है, जिसके कारण अमेरिका ने अपने सिटीजन को कह दिया है कि वो यूक्रेन को छोड़कर अपनी कंट्री रिटर्न आ जाए। अमेरिका को देखते हुए वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज भी ऐसा कर रही है, जैसे कि जापान, उसने भी अपने लोगों को कह दिया है कि वो यूक्रेन छोड़ दे जल्दी से जल्दी। इतनी बढ़ती हुई टेंशन के कारण वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मार्केट में प्रेशर बढ़ रहा है, जिससे स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी में भी देखने को मिलता है। बट फरवरी का मंथ बिटकॉइन के लिए ऑलवेज अच्छा रहा है और अभी की सिचुएशन को देखते हुए ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि क्रिप्टो मार्केट किस साइड ट्रेड कर सकती है। बिटकॉइन के चार्ट को देखें तो वो वीक पोजीशन में बना हुआ है। 24 जैन को बिटकॉइन ने 33,000 के लेवल को ब्रेक किया नीचे की तरफ और उसके बाद बिटकॉइन में बाउंस बैक देखने को मिला और तब से बिटकॉइन में पॉजिटिव ट्रेड देखने को मिला है। अब बात करते हैं क्या आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी क्रिप्टो को होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि मार्केट ऐसे ही वर्क करती है, अप एंड डाउन, और बिटकॉइन के चार्ट में भी आप क्लियरली इसे देख सकते हो। बट अगर आप एक ट्रेडर हो और आप ट्रेड करना पसंद करते हो तो आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना होगा, क्योंकि मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है और इसमें अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो आप अपने रिस्क को मैनेज करके ही ट्रेड करिए और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़े दिन ट्रेडिंग से दूर रहिए। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।